नमस्कार, स्वागत है आप सबों का avianpush.com पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल। केंद्र सरकार की नई किसान नीति को लेकर आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका की असर पूरे देश में देखने को मिला। झारखंड समेत कई राज्यों में धरना प्रदर्शन जारी रहे। देखें कैमरे की नजर से एक खबर। क्या किसान आंदोलन ने पूरे देश में नई अलख जगा दी है? क्या किसानों की मांग वाकई न्यायोचित नहीं है? यदि यह कानून किसानों के हित में है तो कोई बड़ा किसान संगठन इसके पक्ष में क्यों नहीं है? क्या जिन 3 कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध हो रहा है, उसे बनाते समय केंद्र सरकार ने जिनके लिए यह बनाया जा रहा है उनकी राय लेना जरूरी समझी? अब वजह कुछ भी हो, लेकिन स्थिति कुल मिलाकर यूं होती जा रही है कि 5 दौरे की वार्ता विफल होने के बाद आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। न किसान झुकने को तैयार है और ना ही सरकार। नमस्कार, मैं हूं संदीप पाठक और आप देख रहे हैं avianpost.com। आइए आपको रांची के उन जगहों पर ले चलते हैं जहां ये प्रदर्शन हो रही है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आर के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शांति हल्ला बोल, हल्ला बोल। आज जो बंदी है उसके क्या आपने इंतजाम किए हैं अभी तक? देखिए, आप जानते हैं कि किसानों का जो है आज भारत बंद आह्वान किया गया किसानों के द्वारा, उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह वैसे स्थान जहां पे कि पूर्व से ही प्रोटेस्ट होते आए हैं और जहां पे कि हमें सूचना है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। अगर कोई व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी या रिसोर्ट अगर वायलेंस को रिसोर्ट करता है तो हम लोग उसके लिए कैंप भी बनाए हुए हैं। हम लोग विधि सम्मत जो है उसमें कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक कुछ अप्रिय घटना घटी है रांची में या कुछ? नहीं, अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। अभी तक कुछ शांतिपूर्ण है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जी, जो आज आप आए हुए हैं किस कारण? हमने जो है वो सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। हम उनके आंदोलन में पूरी कांग्रेस पार्टी झारखंड के सड़कों पर उतर गए। अन्नदाता हमारा मालिक। निश्चित रूप से किसानों के आंदोलन की सफलता का बड़ा राज यह भी है कि राजनीतिक दलों के लोगों के जुड़ने के बाद भी इसमें किसी का ठप्पा नहीं लगा है। अवार्ड लौटाने का सिलसिला और इसमें नामचीन लोगों के आगे रहने के साथ साथ किसानों से जुड़ने से आंदोलन बृहद होता जा रहा है। सरकार के इस आग्रह को कि सर्दी का मौसम है, कोविड का संकट है, इसलिए बुजुर्ग बच्चे महिलाओं को घर भेज दें, बुजुर्ग और महिलाएं किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर मामला पेचीदा होता जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर आप अपनी राय हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।